वेलकम फ्रेंड्स, ये पॉलिटी का प्रैक्टिस है 25 में आप सबका स्वागत है। पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो आप कह लो, ये प्रैक्टिस सेट का रूल है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड स्क्रीन पे टाइम मिलेगा, फिर उसके बाद आपको फाइनल स्कोर भी कमेंट करना है, देखना है। लाइव आप कमेंट करोगे और ये 7 बजे लाइव होता है, तो आप 7 बजे तैयार रहो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये फेसबुक इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, आप मुझे वहाँ से डायरेक्ट क्वेरीज फॉलो जो चाहते हो वो कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीरो आवर जनरली बिगिंस। जीरो आवर क्या होता है? आपने संविधान पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा, पार्लियामेंट में ये बहुत मैटर करता है ये क्वेश्चन, और कई बार पूछा भी गया है। तो बताइए, पार्लियामेंट सेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जीरो आवर कब शुरू होता है और ये शुरू होगा कब? तो नून में, मतलब कि दोपहर में, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन ये आया हुआ है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, वो क्या पूछी गई हैं आपको वो याद रखना है। ये कब से शुरू किया गया? ये 1962 से शुरू किया गया। मैं जो भी बताऊंगा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फैक्ट्स, वो सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, तो वीडियो को स्किप मत करिए, छोड़िए मत, क्योंकि वीडियो जो बीच में छोड़ दे रहे हैं वो अपना खुद की तैयारी बीच में छोड़ रहे हैं, ना कि वीडियो, ठीक है। 1962 से ये जीरो आवर शुरू किया गया। कॉलिंग अटेंशन मोशन एक होता है, कॉलिंग अटेंशन, सबका ध्यान संग्रहित करने के लिए मोशन लाया जाता है, वो है 1954 में, ठीक है दोस्तों। और शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, ये आया 1953 में। अगर आप नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक है। 3 चीज़ें मैंने स्पेशल इसके साथ एडिशनल फैक्ट्स बताए। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन है जो कि भारत की एकता, अखंडता और स्वायत्तता को सुरक्षित करता है? बहुत ही अच्छा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए। ऑप्शन है इमरजेंसी प्रोविजन, प्रेसिडेंट रूल, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट। कौन सा है जो इन सबों को सुरक्षित करता है? तो ये है इमरजेंसी प्रोविजन। जो हमारे देश में इमरजेंसी लागू होता है वो हमारे एकता, अखंडता और सुरक्षा, स्वायत्तता सब को बरकरार रखने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि इमरजेंसी किस भाग में आया है, संविधान के किस भाग में आया है? तो XVIII, मतलब 18वें पार्ट में इमरजेंसी प्रोविजन की बात की गई है। नेन आपको ये ध्यान रखना है, वी हैव टू टोटली रिमेंबर अबाउट आर्टिकल 352 to 360। ओके, 352 किसके बारे में है? नेशनल इमरजेंसी के बारे में। 356 है किसके बारे में? ग्राउंड लेवल पे अगर खराब हो सिचुएशन किसी भी राज्य में तो गवर्नर रूल या फिर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, ये आर्टिकल 356। आर्टिकल 360 में क्या है? ये है फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है। दोस्तों आप लोगों से एक निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ थोड़ा इस वीडियो को अपने दूसरे स्टडी ग्रुप्स, रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर करें। और लूसेंट बुक्स, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती होगी पढ़ने में, तो उस पर मैंने वीडियो ला दिया है, आपको ये यहाँ पे मिल जाएगी, आई बटन पे दबा के देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने आज का करंट अफेयर्स नहीं देखा है तो वो भी देखिए, साइंस की प्रैक्टिस सेट चल रही है, ज्योग्राफी की प्रैक्टिस सेट चल रही है, टोटल प्रैक्टिस सेट आपके काम का है, क्वेश्चन आते हैं। जब भी आप फ्री रहो ऑन स्क्रीन स्टडी करके नोट्स बनाओ। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोक्लेम्ड द नेशनल इमरजेंसी इज नॉट इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू? अब इसका मतलब क्या है, कौन सा संविधान संशोधन ये बताता है कि जो ये इमरजेंसी प्रोविजन है ये जुडिशियल रिव्यू के बाहर नहीं है? मतलब ऐसा नहीं है कि आप इमरजेंसी लगा देंगे तो उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। ये कौन सा अमेंडमेंट में इसे लाया गया, अब मैं इसकी हिस्ट्री बताऊंगा जो दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला चीज कि 44वें संविधान संशोधन में, किसमें? 44वें संविधान संशोधन में केस था मिनर्वा मिल्स केस। क्या नाम है? मिनर्वा मिल्स केस, 1980 में ये प्रोविजन किया गया था। अब देखिए 44वां संविधान संशोधन में ये प्रोविजन किया गया कि अगर आप इमरजेंसी लागू करते हैं, जैसा कि इंदिरा गांधी ने किया था, तो उसे कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये प्रोविजन हट गया। किसमें? 44वें संविधान संशोधन। राइट आंसर होगा 3। केस कौन सा था? मिनर्वा मिल्स केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर सब लोग जानते हैं,
इन विच फेमस केस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोक्लेम्ड दैट नेशनल इमरजेंसी इज नॉट इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। ये किस केस की बात है, यह बात किस केस में वर्णित है, तो बताइए। आप देख रहे हैं चौथे नंबर पे है मिनर्वा मिल्स केस, तो ये सही आंसर आपके सामने होगा। अब देखिए किसी भी क्वेश्चन का फुल डिटेल जानना होगा, ओके, ये पता हो गया। और दोस्तों मैं काफ़ी एनर्जेटिक होकर वीडियो बनाता हूँ, काफ़ी ढेर सारी लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन करेंट अफेयर्स में भी देता हूँ। मैं आप लोगों से ये चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों को ऑटोमेटिक रिवीजन के लिए करेंट अफेयर्स देखा करो यार, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है आज के कोई भी एग्ज़ाम आप दे दो उसमें लगभग क्वेश्चन आते हैं करेंट अफेयर्स के 7 से 8, कम से कम 7-8 आएंगे ही, ठीक है। अब आप नहीं करोगे तो वो तो छूट जाएगा, और वो डेली प्रैक्टिस है। एक दिन आप पढ़ लोगे तो करंट अफेयर्स नहीं हो सकता है, डेली पढ़ो, डेली अपने नॉलेज को बढ़ाओ। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए और करने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन ये है विच आर्टिकल सेज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा नॉट टू द राज्यसभा। कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो सिर्फ लोकसभा के प्रति जिम्मेवार है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कौन सा ये अनुच्छेद है, आर्टिकल 74, 75, 78, 76, 74, 78 और 75। ये है राइट आंसर इसका 75। प्लीज़ आर्टिकल्स को याद रखो दोस्तों, मेरे पॉलिटी के सेक्शन में आप जाएंगे तो जितने भी आर्टिकल्स हैं सब पे ट्रिक्स के साथ बेस्ट वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो आपको प्लेलिस्ट विजिट करना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए, डेली अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो 10 दिन या 15 दिन में कि इस चैनल की सारी प्लेलिस्ट की वीडियो देखेंगे। सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट बनाए मैंने, बकवास अनयूजफुल एक भी नहीं है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इज मेड बाय विच आर्टिकल, किस आर्टिकल के तहत गवर्नर की अपॉइंटमेंट या नियुक्ति की जाती है, ये कौन सी है बताइए। 155, 156, 157 और 158, बताइए राइट आंसर। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ये वर्णन है आर्टिकल 155 में, इनके टर्म के बारे में वर्णन है, लेकिन सिर्फ क्या पूछा जाता है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। इसी तरीके से आर्टिकल 152 जो है वो डिफिनीशन ऑफ स्टेट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते रहो दोस्तों। इंस्टाग्राम फेसबुक पे लिंक है, सबको फॉलो कर सकते हैं आप, और वहाँ पे भी क्विज चलती हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो, शाम में मैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन डालता रहता हूँ, वो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। नेक्स्ट है, हु हैज़ राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा बट नॉट राइट टू वोट। कौन सा ऐसा व्यक्ति होता है जो पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में भाग तो लेता है लेकिन वोट नहीं कर सकता। अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, एडवोकेट जनरल, कौन है इसमें, बताइए राइट आंसर। ये तो आप सबको पता होगा, मैं फिर भी कुछ टाइम देता हूं, बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है। तो ये होता है अटॉर्नी जनरल। अब आपको कमेंट बॉक्स में अटॉर्नी जनरल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त है आपको वो आप बताओगे, ठीक है। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कैग के बारे में, अटॉर्नी जनरल के बारे में, एडवोकेट जनरल के बारे में सबसे ज़्यादा आपको नॉलेज प्राप्त हो, ठीक है। तो ये आपको क्या होता है, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमारे इस चैनल पे अवेलेबल है, पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और जज कैन बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ, सुप्रीम कोर्ट के जज को या हाई कोर्ट के जज को कैसे हटाया जा सकता है, उनके ग्राउंड ऑफ रिमूवल क्या होते हैं। तो इसका ऑप्शन है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, दोनों। तो राइट आंसर इज दोनों, प्रूव्ड मिसबिहेवियर भी हो सकता है, इनकैपेसिटी, दोनों के केस में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द लास्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन आपको पता ही है, योजना आयोग, इसके अंतिम हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी, एससी बोस। तो मैं इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, प्लानिंग कमीशन के जगह पे अभी नीति आयोग आ गया है, 1 जनवरी को इसकी स्थापना हुई थी, 1 जनवरी 2015 को। इसके भी हेड होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो सबसे जो लास्ट के हेड हैं
वो हैं नरेंद्र मोदी। सबसे पहले हेड कौन थे? तो सबसे पहले हमारे जो पीएम थे वो यहाँ के हेड थे। अब आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या याद रखना है वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। ये किसके दिमाग की उपज थी? ये दिमाग की उपज थी किसकी? एस सी बोस की, सुभाष चंद्र बोस की दिमाग के की उपज थी। उन्होंने इसे लाया और इन्हें गठित किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये आपको पूरा मैं आज क्लियर कर दूंगा, मैंने कई बार बताया भी है बट आप भूल गए होंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, जिन लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है फिर से तैयारी शुरू स्टार्ट करने में, प्लीज़ उन लोगों के लिए कुछ मेरे पास एक मोटिवेशन के साथ एक स्ट्रैटेजी वाली वीडियो आएगी कल, उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा, उसे फॉलो करें। साथ ही साथ अगर आप लोग ऐसा लग रहा है कि भूलते जा रहे हैं तो जितने भी वीडियोज़ हैं सबको 2x मोड पे करके देखना शुरू करें, आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा, दिमाग को थोड़ा फोकस रखेंगे याद आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो ये राइट्स हैं 19, 20 और 21, ठीक है। इमरजेंसी में 19, 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी हो तब 19 को छोड़ के बाकी सब सस्पेंड हो जाता है, 19 भी सस्पेंड हो जाता है, सॉरी मैंने गलत बता दिया, जब एक्सटर्नल इमरजेंसी हो तो 19 को भी सस्पेंड कर दिया जाता है, इंटरनल इमरजेंसी हो तो 19 सस्पेंड नहीं होता है, और 20, 21 किसी भी हाल में सस्पेंड नहीं किया जाएगा। मतलब क्या है? एक्सटर्नल हो तो सिर्फ 20, 21 रहेगा, एक्सटर्नल नहीं हो तो क्या रहेगा? 19, 20 और 21, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। सो फार हाउ मेनी टाइम्स इमरजेंसी वाज अप्लाइड इन इंडिया, अभी तक कितने बार इमरजेंसी लागू हुआ है देश में, ये तो आपको याद होना चाहिए। हमारे देश ने कितनी बार इमरजेंसी देखी है बताइए राइट आंसर। ये तो देश के इतिहास से रिलेटेड है, आपको याद रखना चाहिए। मैं बताता हूँ, पहली इमरजेंसी लागू हुई थी 1962 में, भारत चाइना वॉर के टाइम में। दूसरी इमरजेंसी लागू हुई थी 1971 में, और तीसरी इमरजेंसी 1975 में, जो इंदिरा गांधी ने लगाया था 71 में, पाकिस्तान के वॉर के टाइम में ही भी इंदिरा गांधी ने ही लगाया था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। प्लीज़ ये आई आइकन पे दबा के और करंट अफेयर्स ज़रूर देखिएगा। विच आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब यहाँ पे क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो अलग है, आपको यही तो ध्यान देना है। क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें पैटर्न आंसर के ऑप्शन अलग अलग हैं, 20, 21 बोथ या 19। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कैनॉट बी सस्पेंडेड, तो ये 20 और 21 ही होगा, ठीक है, क्योंकि 19 तो किसी एक विशेष परिस्थिति में सस्पेंड कर दिया जाता है, इसलिए हर तरह से मैं आपकी तैयारी करा देता हूँ, कोई तरीके से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आर्टिकल 356 इज रिलेटेड विथ, आर्टिकल 356 किससे रिलेटेड है? प्रेसिडेंट रूल, गवर्नर रूल, पीएम रूल, तो जानते होंगे प्रेसिडेंट शासन लगता है तो उसे क्या कहते हैं? आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाता है। जब किसी स्टेट मशीनरी, स्टेट के इलेक्शन हुए, वहाँ पे कोई राजनीतिक पार्टी मेजॉरिटी में नहीं है, तो ऐसे केस में ये रूल लाया जाता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट रूल। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली प्रेसिडेंट ही शासन करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, शेड्यूल कास्ट इन मेंशनड इन डैश आर्टिकल, अनुसूचित जाति के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। मैं बता दूं, अनुसूचित जाति और जनजाति बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है, और हमारे देश में इनके लिए बहुत ही स्पेशल प्रोविज़न भी किए गए हैं, तो आपको ये याद रखना चाहिए, ठीक है। तो आर्टिकल देख लीजिए, आप आर्टिकल देख सकते हैं और यहाँ से आंसर बताइए। तो शेड्यूल कास्ट सीधे है, शेड्यूल कास्ट के बारे में है, ना कि शेड्यूल ट्राइब। तो 341, 243, 330 और 332। तो अगर मैं बात करूं शेड्यूल कास्ट के बारे में, तो ये है 330 में, क्या है? 330 में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के बारे में वर्णन है, बट आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि अगर सिर्फ इस तरीके का क्वेश्चन रहे शेड्यूल कास्ट की नेमिंग लिस्टिंग, तो वो होगा 341। मैंने क्या कहा? रिजर्वेशन, रिजर्वेशन की बात होगी तो 330, मतलब 330 रिजर्वेशन की बात होगी तो 330 से शुरू होगा, लेकिन आर्टिकल 341 में शेड्यूल कास्ट के बारे में वर्णन है, और आर्टिकल 342 में शेड्यूल ट्राइब के बारे में वर्णन है।
330 से लेके 339 तक अलग अलग चीज़ें वर्णित। अब देखिए रिजर्वेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, मैंने इसका ट्रिक बताया था आपको, जरा याद करिए, आर्टिकल वाली वीडियो देखे होंगे तो आपको याद भी होगा। 30-32 ये किसके बारे में, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का वर्णन है रिजर्वेशन का, किसमें, तो जो लोकसभा में वर्णन होगा वो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का 330 में होगा, ठीक दो बढ़ा देंगे 332, तो ये हो जाएगा स्टेट असेंबली में। तो आपको क्या मैंने याद कराया था, 30-32। उसी तरीके से अगर 31-33 याद कर लेते हैं तो ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का वर्णन है किसमें, तो लोकसभा में, और फिर 33 क्या हो सकता है 31 के बाद, तो ये होगा स्टेट असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में। उसी तरीके से आगे भी ये क्वेश्चन आएगा जो कि आपके बहुत काम होगा। चलिए वीडियो को लाइक करते चलिए और दोस्तों को भी शेयर करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन टू सीज आफ्टर 70 ईयर्स, इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये अभी हाल ही में अमेंडेड किया गया है और अप्लाई भी हुआ है और इस पर काम भी किया गया है, हमारे संविधान में सुधार भी हुआ है। 70 वर्षों के बाद रिजर्वेशन पर पुनर्विचार या हटाया जा सकता है, ये किस अनुच्छेद में है। तो आपको मैंने एक वीडियो बनाया था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का, जो स्पेशल नंबर होता था दो लोकसभा में और स्टेट असेंबली में, उसके संख्या को अब हटा दिया गया है। तो ये किस अनुच्छेद में वर्णन था, 331, 332, 333, 334, तो ध्यान रखिए ये जो सीज वाली बात है, ख़त्म करने वाली बात है, ये आर्टिकल 334 में था, इसी के तहत एंग्लो इंडियन को रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया गया है। तो ये चूंकि यूज हुआ है तो आपको याद रखना चाहिए। हु अपॉइंटेड ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज, इन बैकवर्ड क्लासेज की कमीशन की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको तो ये पता भी होगा, जितने भी कमीशन होते हैं उनको फॉर्मली अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। जैसे ये कैग का अपॉइंटमेंट करते हैं, अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को नियुक्त करते हैं, इन सब चीज़ों का इनका क्राइटेरिया है। सेकेंड बैकवर्ड कमीशन, अब ये दो चीज़ें हैं, फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन, सेकेंड बैकवर्ड कमीशन। तो फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन कब आया था, 1953 में, काका कालेलकर उसके अध्यक्ष थे। सेकेंड बैकवर्ड कमीशन कब चुना गया, इसे मंडल कमीशन कहते हैं, तो बताइए ये कब आया, मैं देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। तो बीपी मंडल 1979 में चुने जाते हैं बैकवर्ड कमीशन के रूप में, ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडिया के राजनीति में रहता है। नेक्स्ट है, कल जो मैंने पिछले, कल नहीं पिछले जो क्वेश्चन दिए थे उसमें मैंने पूछा था 24 नंबर प्रैक्टिस सेट में कि प्रेसिडेंट कैन पार्डन, राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं, तो बहुत लोगों ने इसका आंसर बहुत कुछ खास अच्छे से दिया नहीं था। राष्ट्रपति सब कुछ क्षमा कर सकते हैं, चाहे वो उम्र कैद हो, मिलिट्री सेंटेंस हो, डेथ सेंटेंस हो, या कुछ भी, सब कुछ राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये याद रखिए, राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 होता है जिसके तहत वो किसी भी चीज़ को, कोई भी अपराध को क्षमा कर सकते हैं। और राष्ट्रपति के पास पहले कोर्ट केस जो है वो सुनवाई होते होते राष्ट्रपति के पास सबसे लास्ट में पहुँचता है, ओके, तो आपको ये याद रखनी है। अब आज का सवाल जो है उसका आंसर आप लोग कमेंट करोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, ट्राइब्यूनल दो टाइप के होता है, मैं अभी बता देता हूँ, और ये बात हो रही है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल किस अनुच्छेद में वर्णन है, 323A, 333B, 323C, तो जो भी इसका राइट आंसर है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच।